आप देवी देवता का भी पूजा करते हैं, तो मिठाई चढ़ाते हैं तो ठीक है, जिलेबी चढ़ाते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर की बुराई को भी चढ़ा रहे हैं। आपके अंदर में जो बुराई है उसको तो चढ़ाते नहीं है, लेकिन मिठाई चढ़ाते हैं। बुराई को आप बाबा भंग जाते हैं, भोला बाबा के शरण में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई नहीं चढ़ाते। आप दुर्गा माता का पूजा करते हैं, पठवा का गला कटवा देते हैं, लेकिन आप अपने अंदर का बुराई नहीं चढ़ाते। सत संग याद दिलाते हैं कि अपने अंदर की बुराई नहीं चढ़ाते। देवी देवता का पूजा यदि करते हैं उनको भी बलि मत दीजिए, बलि देना है अपने अंदर की बुराई। हे दुर्गा माँ, आज जो झूठ ने बोल भोन, चोरी ने कर भोन, बेईमानी ने कर भोन, माय बाप करने सबसे भोन, भैया या टकिया ने धके भोन, यार ने कट भोन, जे गलती होले उस मछली दार ने के भोन, जे गलती होले दुर्गा माँ ने मुख करी रे दुर्गा माँ के मुख पर मुठे बैठे छे, जे धो भोन भोन दो किलो लड्डू चढ़ेली हम दुर्गा माँ की चढ़ेली हम, ऐसे श्राद्ध में बड़का बेटा तो चीज बकरिया चढ़े चढ़ाना है। यही तो मानव जीवन की विशेषता है। मंदिर भी है, मठ भी है, धन संपत्ति सब चीज है, अच्छी बात है, लेकिन आपको रहना है कैसे बेटी के तरह, बेटी महिला में कैसे रहती है, बेटी देख रही है महिला में हमारा बाबू को 60 देखते हैं, बाबू 60 से 2 करोड़ के मकान से, 30 लाख के गाड़ी से, हम बाबू 10 बीघा लेने से, बेटी सब चीज देख रहे हैं, लेकिन बेटी को भीतर से फैराग है, बाबू का तो जमीन जगह मकान बन के गाड़ी बन के तो हम रो नहीं है, हम लोग भैया हम रो नहीं। 5 बजे सुबह में बेटे की शादी हुई, 7 बजे सुबह में बेटे गाड़ी पकड़ करके सारे संपत्ति को तैयार करके चली जाए। ध्यान एंटीबायोटिक क्या है? ध्यान एक जगह कंजूस रे, बड़का एक छोटका, बड़का कंजूस में छोटका करके घी खाए जाए, जाकर के घी खाए जाए, कतरा घी खा जाए, 1 साल छोटका कंजूस में 1 साल 100 ग्राम घी खाए, कल के 100 ग्राम घी केना खाए जाए, घी के बोतल में रखे छे, लाल बनी जाए छे, पतला रंग की बोतल निकाले सिक्के डाले हरियाम घुमा, 1 साल से छोटका कंजूस में बड़का करके क्यों कितना खाए खा करके हम 25 ग्राम घी ले, 3 साल चल रही है। छोटका कंजूस बड़का कंजूस करते है कि 25 ग्राम घी 3 साल तक केना खाए जाए, घी के बोतल में रखे छेटी लगले रहे छे, दाल बनी जाए छे बोतले दाल हरियाम घुमाए के घरू बोतल रखी रहे छे 3 साल सच और कौन में कंजूसी हो जाए हो जाए। भजन करने में गाय का घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, और कौन में
लेट हो जाए, हर आदमी को चाहिए जितना जल्द हो उस शिक्षा से भोजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं तब भजन कर, बूढ़ा होइएगा तो भजन होगा, कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, कुछ दिन बीते आई बुढ़ापा बुद्धि गई चुनौती में, जैसे भूलेगा सचमुच भूले किसानी में, कहे हैं सुनो भाई साधु भक्ति करो जवान। आप किसी का ना ब्याज लेते हैं, ब्याज पर ब्याज जोड़ कर रुपया देते हैं, जिसका मांस लीजिएगा आपको मांस का बदला मांस देना पड़ेगा। देवी देवता के नाम पर भी आप लोग आज बहुत दुर्गा मंदिर में रामचरितमानस का पाठ भी हो रहा है, और जहां रामचरितमानस का पाठ होता है वहीं पर रामचरितमानस का पाठ भी होता है। नवरात्रि में 8 दिन 9 दिन तक रामायण पाठ शुरू करते हैं दुर्गा मंदिर, आगे में बलि लेने के लिए ये महिला गार के 24 घंटा रामायण पाठ 10वें दिन पठवा काट। उसी प्रकार पेटी के तरह हर आदमी को भीतर से सैराग होना चाहिए संसार की संपत्ति में, और आसक्ति होना चाहिए परमात्मा की भक्ति में। हनुमान जी ने क्या किया, सोने के पहाड़ का त्याग किया, जरा भी आसक्ति नहीं, इसलिए उसे परमात्मा का भक्ति कर। बेटी को नहीं आता तभी तक है जब तक कि नहरा में माँ बाप है, जय बेटी नहरा माँ बाप में जय वही नहीं वही छोड़ दीजिए, दीदी नहीं रहने जाए माँ बाप रहने जाए दीदी, अब माँ बाप नहीं छी दीदी नहीं दे छी नहीं रो जगह पर भी राज कर देते हैं जो भाई बन जाए कहीं लोग कितना बैराग है। बेटी से भी शिक्षा लेना चाहिए, भक्ति करने वाले को भीतर से पैरा। अब काला लंदन ठीक लिए हैं, भजन भेद लिए हैं, लेकिन भीतर से पैराग नहीं है कैसे सही। कबीर साहब कहते हैं काट के कंठी लिए लटकाई, सबसे कहता हूं वैसे हूं भाई, काम है मनो सुक्रोध है हछली, सबसे पहले त्याग तब हो वैष्णव यशली, नहीं नहीं वैष्णव आप है नकर। गला न माला जब लिए हैं माला लिए लिए चल चार बजे भोर में जब करके ध्यान भजन कीजिए, एक दूसरे का भला लीजिए, किसी को देख करके जलिए नहीं, आप अपने मेल मेल ले भाई का भी हाथ बैमानी मत कीजिए, तंत्र का तंत्र पानी का पानी हिस्सा दीजिए, तब भक्ति यदि आसक्ति से सार के चीजों में है बताइए भक्ति कैसे। 50 वर्ष पहले की बात है, एक कुत्ता एक आदमी के घर है, कुत्ता तखनी मटरी हरियाम खाना बनो, मटरी हरियाम बनो खिचड़ी कुतबा गेले हरियाम खिचड़ी खाए, देखी लगे घर वाला कुतबा कर लगे लाठी जाति मिले जाति संत मत कबीर मत रामी
कहलिए भाई यही गुरु हुआ 10 लाख पीछे मार ले जो महीने खेलो पिलो लोने धन दिया जाए सलाह बड़की हुई सब कुतवा मिल गए मार खेल है मार खाई है मल्ला ले है ठीक है जब है लेकिन माला ले लाग बाद सुधार है तब जब नहीं सुधार है मल्ला ले स्किप है बहुत आदमी हाथ में मल्ला पहन करके भी मांस मछली खाते हैं गला में माला पहन करके भी मांस मछली खाते हैं गला में माला लेकर के खैनी खाते हैं गला में माला लेकर एक जोड़ो बकरी पोसते हैं गला में माला लेकर के यार पोसते हैं गला में माला लेकर कटिया ढकियाते हैं गला में माला लेकर के भी माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं तो कबीर साहब को कहना पड़ा काठ कर खींचिए लटकाई सस्ते कहता हूं वैष्णव हुआ माला जब लिए हैं तो माला के अनुकूल चले माला के प्रतिकूल नहीं चले हमारे जूनियर खेसारी कुंदन राज गोपाल कुमार तीनों मिलकर इस ज्ञान यज्ञ में 200 किए हैं निर्मल मन सो मोहित बाबा मोहित कपट छल छिद्र स्वभाव क्या यही रामचरितमानस ने लिखा है विचार कीजिए रामचरितमानस आप मानते हैं लेकिन रामचरितमानस ने जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं आप राम को मानते हैं राम की नहीं मानते विचार और दुर्गा माता की मूर्ति है उस मूर्ति में प्रणाम करते हैं जिस बाधा में परवल है उसका प्रकाश करके परवल लेते हैं विचार कीजिए रामायण का पाठ करते हैं रामायण का काट करते हैं इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं पर हित सरम नहीं भाई पर पीड़ा से नहीं करता विचार किसी का आज 1 लाख रुपया ले लिए अब पूजा फूट करते हैं सब देवी देवता का पूजा भी करते हैं अब पैसा दिए हैं कितनों पूजा कीजिएगा तो जिसका कर्ज लिए हैं पैसा उसको दीजिएगा नहीं दीजिए तो कितनों पूजा कीजिएगा जिसका मनुष्य खाए हैं उसका बदला दीजिएगा कि नहीं इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सबसे पहले मनुष्य वही है जो वैष्णव धर्म का पालन करता है मनुष्य वही है जो माता पिता की सेवा करते हैं मनुष्य वही है जो भाई के तरफ कटिया नहीं ढकियाते मनुष्य वही है जो गुरु से शिक्षा लिए हैं मनुष्य वही है जो ध्यान करते हैं मनुष्य वही है जो भजन करते हैं मनुष्य वही है जो दूसरे का भलाई करते हैं ये मनुष्य का धर्म है ये ज्ञान आपको और जगह पे नहीं मिलेगा ये ज्ञान मिलेगा कहो सत्संग में सठ सुधर ही सत्संग की पाई पार सरस सुधार इसलिए हर आदमी को चाहिए कि भगवान का भजन करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए गाय का घी भी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा घी नहीं खाता था एक जगह खूब कंजूस रहे बड़का एक छोटा बड़का कंजूस में छोटा करके घी खाए जाए करके घी खाए
छोटा का जूस लेकर के एक साल में 100 ग्राम घी खाए, कल के 100 ग्राम घी केना खाए थे, घी के बोतल में रखे थे, साल बनी जाए थे पतला रंग की बोतल में निकाले सिक्के डाले हैं, बलि नहीं देते थे। रामचरित मानस में भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु भरत किसे कहते थे, भगवान राम कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा, पर निंदा सब अधर्म करिसा। ये दो चौपाई पर आप ध्यान दीजिए, यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम जो बोले हैं उसको मानते हैं, देखे लेता है कि नहीं सुनता, पर शर्म नहीं भाई, पर नहीं कदमाई, किसी भी जीव को भोजन देना, पानी देना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, ये धर्म, उसको मार करके खा जाना, ये इतना बड़ा पाप है, भगवान को भी सोचना पड़ेगा इसको कौन सा नरक में दिया जाए। भरत जी ने कहा और धर्म है, कहा एक ऊंचा चला उसका और धर्म है, परम धर्म श्रुति विधि के अनुसार, ऐसा वेद ऐसा पुराण ऐसा संत कहते हैं, मनुष्य को अहिंसा सहना चाहिए, हिंसा सहना चाहिए, परम धर्म श्रुति विधि के अनुसार, पर निंदा सहना चाहिए। यही दोनों को कह ले रहे हैं, मनुष्य शरीर मिला है, हर आदमी को गुरु से शिक्षा देकर भजन करता है, और छोटा बात बन करके नहीं रहना चाहिए, कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। घड़ा में पानी रख दीजिए, पानी घड़ा में रख दीजिए, छोड़ दीजिए, 4 महीना 5 महीना 6 महीना में घड़ा से अपने आप पानी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ये शरीर एक घड़ा है, इसमें मनुष्य का श्वास रूपी जो जल है नित्य दिन घटते जा रहा है, जितना जल हो गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भटक, मनुष्य से मिला है, मनुष्य जैसा भोजन बढ़िया भोजन कीजिए, बढ़िया भजन कीजिए, भजन भी कुछ लोग टीके के रहते हैं, गुरु से शिक्षा लिए हैं, माला लिए हैं,
लेकिन हरे शिव दे रहे हैं किया नहीं रोको हो कर लोग ने मैं दिया ये काटे चाया नहीं कर लिया इतने बड़े इतने हैं गाना में माला लेकर के भी आप हम भी क्या करते खाने खाने वाले आज किशनचंद भी मंगा लिखा मेरा जय जय नहीं तो इतना कम घर हस्ती वाली आप खड़ी आ रही है गांव हो 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 इच्छा चा चा जो आदमी गुरु से शिक्षा नहीं लिए हैं तो ले लीजिए जो ले लिए हैं माला लिए हैं तो माला के अनुकूल चले प्रतिकूल नहीं यही मानव जीवन की विशेषता है भजन करने की तन पाया मगर लगाउन बढ़ बैठे क्या जाकर कर ईश्वर का मगर भगवान बन बैठे बढ़िया भजन कीजिए बढ़िया भजन कैसे होगा गुरु से शिक्षा से हर दादा गुरु से शिक्षा लेकर चार बजे भोर में जग जग के ध्यान ध्यान के समय नींद नहीं आना चाहिए ध्यान करने वाले साधक को रात में कम भोजन देना चाहिए रोटी खाइए याद ही सब चीज तुन्ना अपनी दिल बुन्ना हंसिए चलना गोराग मकान अंबर जे भाई जिक्र निकल जा धारी हंसता चेहरा आमदनी के अनुसार खर्च कीजिए कभी कर्ज नहीं होगा आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है ताकत कम गुस्सा ज्यादा नमार होने का लक्षण है देह ताकत नहीं है भिड़ी में पड़ी हो या ना घर घर चार मुक्ताओ मारा सकलो नहीं भिड़ी हो गई ध्यान करने वाले साधक को रात में कुछ कुछ काम भोजन देना चाहिए चार बजे भोर में जब करके ध्यान करना चाहिए एक महात्मा जी चार बजे भोर में ध्यान करे रात में खा लेते बेसी तब बढ़िया भिंडी सबसे भुजिया जलती बढ़ाई है ध्यान में बैठे चौकी पर से दो चार आदमी दौड़े डेक्ची निकाल के देंगे बाबा गला में डेक्ची चलो सेटिंग भग रहा हूं के ध्यान कर रहे हूं ये चीज पर ध्यान करने वाले सावधानी से ध्यान करना चाहिए अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुखमनिया में मोरी नजर लागी एंटीबायोटिक किया है ध्यान कीजिए ध्यान भोजन कीजिए ध्यान से कुछ लोग भोजन कैसे करते भोजन ले रहे हैं देखे कंपा ऐसे भोजन एक आदमी भोजन खाए है पूरी भुगियां ले लेके मुंह बेटा कहे रसगुल्ला खाऊं रे उमड़िया बीत जाए उमड़िया बीत जाए
Thank you.
Thank you.